सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे, प्लस आर है। नाउ लुक एट इट, इन दिस इफेक्ट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अवे फ्रॉम एन एटम, ठीक है, और सब्स्टिट्यूएंट। अब यहां पर आप गौर करो, जब आपके पास जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है एक एटम से अवे हो तो उसको बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट। इसमें कौन कौन से ग्रुप प्लस आर दिखाते हैं जरा उसको नोट डाउन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक लिस्ट है जो आपको नोट डाउन करनी है, यू हैव टू नोट डाउन दिस लिस्ट। ये एक लिस्ट है जो आप लोगों को नोट डाउन करनी है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि भैया ये लिस्ट में प्लस आर इफेक्ट दिखाता कौन है, प्लस आर इफेक्ट कौन कौन दिखाता है। सो दीज आर दी सब्स्टिट्यूएंट्स, लुक एट इट। सबसे पहले तो हैलोजन्स, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, हैलोजन दिखाने को माइनस आई दिखाते हैं लेकिन यहां पर प्लस आर दिखाते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक हैलोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सात, ठीक है। सो फाइनली ये प्लस आर इफेक्ट दिखाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं यहाँ पे, ऐसा समझ नहीं पाते कि हैलोजन प्लस आर दिखाएगा कि माइनस आर, तो प्लस आर दिखाएगा। सबसे पहले आप लिखो कि हैलोजन प्लस आर दिखाता है। दूसरा आपके पास ये OH ग्रुप फिनॉल, OH ग्रुप प्लस आर इफेक्ट दिखाता है, क्यों? क्योंकि यहां पर इस ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। उसके बाद आपके पास OR ग्रुप भी प्लस आर दिखाता है क्योंकि इसके पास लोन पेयर होते हैं। OCOR ये भी प्लस आर दिखाता है क्योंकि इनके पास लोन पेयर होते हैं, ये रे, ठीक है। NH2 अभी देखा आपने, ये प्लस आर दिखाते कि इस पर लोन पेयर होता है। NHR के पास भी लोन पेयर होता है, NR के पास भी लोन पेयर होता है, NHCOR के पास भी लोन पेयर होता है। जिसके पास लोन पेयर होता है प्लस आर दिखाते हैं, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके पास लोन पेयर होंगे वो प्लस आर दिखाएगा, जरा आप इसको चेक करो। और अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो प्लीज आप इसको जरूर लिखो, कौन है ये, हेलोजन है, एल्कोहल है, ईथर है, एस्टर है, एमाइन है, उसके बाद ये क्या है, 2 डिग्री एमाइन है, 3 डिग्री एमाइन है, उसके बाद ये हमारे पास एमाइड है, ओके। सो मैंने नाम भी बोल दी कि कौन कौन है जो प्लस आर दिखाते हैं, क्लियर हो गया।